मैजिकल मेकओवर। जी हाँ, बारी है मैजिकल मेकओवर की। आयशा का एक बहुत ही खास राजस्थानी अंदाज और फैन को कौन सा रूप मिलने वाला है, जानना चाहते हैं ना आप? तो देखिए, आयशा से एक कोई न्यू वर्जन ऑफ आयशा है जिसके लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा नाम ऐश्वर्या पवार है और मुझे बहुत पसंद है, बहुत क्यूट है। दैट इज अ वेरी रॉ ब्राइडल लुक जिसमें वो बहुत सारे बंजारा बैंगल्स आपको पहने दिखेंगी, चूड़ा पहना होगा, बहुत सारे बैंगल्स, वेरी रफ रॉ काइंड ऑफ ब्राइडल लुक। अमावस के बाद जो हर घर में रोशनी भर दे, वो चांद खुद को साजन बनाकर अपनी ही याद में जो चकोर को एक टक देखने पर मजबूर कर दे, वो चांद प्यार करने वालों को जो कस्मे खाने पर मजबूर कर दे, वही चांद मॉनसून के इस मौसम में भी बादलों को चीर कर बाहर आ चुका है। और आज इस चांद की चांदनी चारों तरफ ऐसे जगमगाएगी जैसे राजस्थान के रेगिस्तान में चांदनी रात में सितारों को अपने दामन में समेटे नीला चांद जगमगाता है। और आज इतिहास में पहली बार SBS ओरिजिनल्स में ये चकोर बिना निराश हुए अपने चांद से भी मिलेगी और नेहा अद्विक महाजन को दिल से थैंक यू कहेगी, क्योंकि ये है SBS ओरिजिनल्स का मैजिकल मेकओवर। तो गाइस, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम हाजिर हैं नेहा अद्विक महाजन के हाथों के जादू को ना सिर्फ एक और स्टार पर चलते हुए देखने के लिए, बल्कि उसी जादू में आप में से ही चुने इस फैन के भी वारे न्यारे होते हुए देखने के लिए। तो नेहा जी, बिना देर किए ऑडियंस को भी बता दीजिए कि आज आयशा सिंह के साथ मैजिकल मेकओवर्स में क्या क्या खास होने वाला है। और हाँ, हमारी आज की लकीएस्ट फैन से भी तो मिलना है। आयशा के लिए जो मैंने लुक प्लान किया है, दैट इज अ टोटली ट्रांसफॉर्मेशन वाला लुक जो उनके ऑन स्क्रीन है, वो जो सही प्ले करती है उससे एकदम कॉन्ट्रास्टिंग ऑडियंस को देखने को मिलेगा। दैट इज अ वेरी रॉ ब्राइडल लुक जिसमें वो बहुत सारे बंजारा बैंगल्स आपको पहने दिखेंगी, चूड़ा पहना होगा, बहुत सारे बैंगल्स, वेरी रफ रॉ काइंड ऑफ ब्राइडल लुक। सो जैसे कि आयशा और मैंने एक स्टोरी पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पे टू सर्च फॉर द बिगेस्ट फैन ऑफ आयशा, तो आयशा ने जैसे ही स्टोरी पोस्ट की, मुझे बहुत सारे लंबे लंबे ऐसे जैसे मैसेजेस आए कि हाउ दे लव योर कैरेक्टर साई ऑन गुम है किसी के प्यार में, एंड दैट्स हाउ आई शॉर्टलिस्टेड ऐश्वर्या बिकॉज शी वॉज आफ्टर मी कि प्लीज मुझे ही वो मेकओवर चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ और बहुत थ्रिल थी ऐश्वर्या आपसे मिलने के लिए, कि मुझे नहीं पता था कि कौन आने वाला है, किससे मुलाकात होगी। एंड मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा थॉट है, बहुत ही प्यारा थॉट है कि सिर्फ मेकओवर तो यू नो वो सिर्फ ग्लैमर का पार्ट हुआ, राइट? दैट इज जस्ट ग्लैमर, बट वन एंड वन यू नो मिलना अपने फैन से, उन लोगों से जिनके लिए आप ये सब चीजें करते हो। जी ऐश्वर्या, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं कब से वेट कर रही मैम, कब आ रहे मैं बहुत नर्वस भी और वेट भी बहुत कर रही थी, यहाँ मैम कैसे दिखेंगी, मैं बहुत भी सोच रही थी यहाँ मैम कौन सा लुक बनाएंगी। तो फाइनली मैम आ गई है। तो ऐश्वर्या के सामने आयशा ने तैयार होना शुरू कर दिया, हेयर एंड मेकअप हुआ, ज्वेलरी भी पहनाई गई, लेकिन उस पर था ये ऑरेंज बड़ा सा ब्लेजर। पहले हमें लगा कि ये क्या अलग कॉम्बिनेशन है,
लेकिन जब ये ब्लेजर उतरा और आयशा सिंह नजर आई इस राजस्थानी लहंगा चोली में, तो मानो 5 मिनट के लिए हमारी बोलती बंद हो गई, क्योंकि आयशा की तारीफ के लिए हमें वैसे ही अल्फाज नहीं मिल रहे थे जैसे ओम शांति ओम में शांति प्रिया को देखकर ओम के अल्फाज नहीं निकल रहे थे। और दूसरा, आयशा के कमाल के पिक्चर परफेक्ट पोजेस। शायद ये पहली बार था कि दूर खड़ी फैन ही नहीं बल्कि इसे कवर कर रही हमारी टीम बस खो गई। इस लुक से नजर हट ही नहीं रही थी कि नेहा अद्विक महाजन ने आयशा पर दूसरा लुक ट्राई भी कर लिया, यानी इस मखमली दुपट्टे को बदलकर ये देसी मगर क्लासी दुपट्टा दे दिया। और जब आयशा ने इसे अपने सर पर ओढ़ा तो ट्रस्ट मी, वहां खड़े हर कुंवारे को शायद अपनी दुल्हनिया की झलक नजर आ गई। और जिनकी शादी हो चुकी है अब वो इस फोटोशूट को देखकर बस आहें भरे। नेहा अद्विक महाजन फैन ऐश्वर्या और हम खुद आयशा के इस फोटोशूट में इतना डूब गए कि बातों ही बातों में अचानक से आयशा ने वही ऑरेंज ब्लेजर पहन लिया। लेकिन नेहा का सेंस ऑफ लुक तो देखिए, उन्होंने इसी लुक को ऐश्वर्या का लुक ऑफ द डे बना दिया। मान गए नेहा जी आपकी पारखी नजर को। तो ये एक तरह से ब्राइडल लुक है भी और नहीं भी, बिकॉज ये थोड़ा सा बोल्ड है। हमने काफी सारे हेयर के साथ एक्सपेरिमेंट किए, बहुत लंबे लंबे फ्लिक्स रखे हैं, सो दैट यू नो इट गिव्स अ वेरी रॉ काइंड ऑफ अ लुक। और हमने इसमें 2-3 वेरिएशंस किए, लाइक विदाउट द दुपट्टा, वन विद अ हैवी दुपट्टा एंड वन विद अ वेरी लाइटर दुपट्टा। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड काफी डिफरेंट है ट्रू। yes. और काफी कहीं ना कहीं हल्का सा बोहेमियन वाला फीलिंग देता है, राजस्थानी हल्का सा, यू नो इट्स अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ कल्चर्स, काफी सारे कल्चर्स का ब्लेंड इन है। बिकॉज हमने वो जो दुपट्टा ड्रेपिंग किया था वो बहुत ही राजस्थानी कल्चर को डिपिक्ट करता है, विद दिस माथा पट्टी एंड द शीश पट्टी जो हमने पहना है। करेक्ट, एंड हाँ थोड़ा बोल्ड है, सो इट्स अ न्यू टेक एंड नया साइड ऑफ आयशा ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर। मुझे अपने लुक्स बहुत अच्छे लगे और बहुत ही डिफरेंट लगे फ्रॉम मतलब आयशा एज अ पर्सनैलिटी राइट इज वेरी डिफरेंट। एंड जो मुझे जानते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं बहुत ही कैजुअल एंड लाइट यू नो हूँ विद माई लुक एंड माई अपियरेंस एंड एवरीथिंग। एंड इट्स लाइक यू नो टिप टू टो everything is you know you very particularly designed and crafted to you know bring it together। इस पूरे शूट के दौरान ऐश्वर्या इंतजार कर रही थी कि कब वो आयशा की तरह सजेंगी, कब वो वैसी ही ड्रेस पहनेंगी जैसा आयशा ने पहनी है। मोनोटोन टाइप का लुक दिया है, सो दैट इट लुक्स वेरी शीक, एजी एंड क्लासी एट द सेम टाइम। मैं क्या बता सकती, मेरे पास लफ्ज ही नहीं मैम के लिए कहने के लिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मैम। मैजिकल मेकओवर्स में आज होगा आयशा की फैन ऐश्वर्या का सपना पूरा, अपने मनपसंद सितारे की तरह सजने का सपना। लेकिन उससे पहले आयशा को मिलेगा वो गेटअप जो आयशा की फैन ऐश्वर्या को मिलने वाला है। इसीलिए आयशा दोबारा बैठ गई हैं आईने के सामने और एक बार फिर शुरू हो गया है नेहा महाजन का जादू।
पहले तो आयशा को इंडियन लुक मिला था, मगर आज बिल्कुल अलग है। आज आयशा सजने वाली है ब्लू वेस्टर्न ड्रेस में, इसलिए आंखों पर आई शेडो में भी हल्का ब्लू रंग दिखेगा। आंखें भी थोड़ी ब्लू नजर आएंगी और हाथों के नाखून भी ब्लू नजर आएंगे विद सिल्वर शिमर। और हाँ, बालों पर एक्स्ट्रा रंग बिरंगी चोटियां भी लगेंगी ताकि ये लुक परफेक्ट लगे। और देखिए, जब आयशा के सिर पर ब्लू कैप लगी तो हो गया ये लुक पूरा, और चल गया जादू आयशा के नखरों का, उसके लुभावने अंदाज का और फोटो परफेक्ट पोजेस का। हमने इस लुक का नाम जो डिसाइड किया है, दैट इज आउट ऑफ द ब्लू। खूब सारे रंग इसमें हमने ब्लू के शेड्स डाले हैं, बिकॉज इट्स वेरी एजी। सो इसमें डेडलॉक्स भी हमने डन हियर एंड विद द शिमरी कैप एंड एवरीथिंग। मेकअप की बात करें तो हमने आईज बहुत ही स्मोकी ब्लू रखी है, बिकॉज ये आउट ऑफ द ब्लू लुक है, हमने इसको नाम दिया है। ये हमने एक मोनोटोन टाइप का लुक दिया है, सो दैट इट लुक्स वेरी शीक, एजी एंड क्लासी एट द सेम टाइम, तो ओवर भी ना लगे, थोड़ा ओटीटी भी ना लगे, बिकॉज हमने काफी सारे एलिमेंट्स ऐड किए हैं। आयशा जब तैयार हो रही थी, जब उसका फोटो शूट हो रहा था, तब उसकी फैन ऐश्वर्या ये सब कुछ ध्यान से देख रही थी। अब मन से तो वो तैयार हो ही गई है ऐश्वर्या से आयशा बनने के लिए, बस अब तन से बनना बाकी है, जो कुछ ही पलों में अपने जादू से पूरा करेंगी नेहा महाजन। तो बताइए ऐश्वर्या, क्या कहना है आपका इस मेकओवर के बारे में? मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था ऐसा लुक में मैं देख पाऊंगी। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैम ने इंस्टाग्राम में फोटो डाले थे, अलग थे, तो मैंने भी थॉट बनाया इस बार भी अलग ही होंगे, कुछ यूनिक होगा जो मैंने सोचा नहीं होगा। सच में मैम ने वैसे ही किया है, बहुत मतलब मेरे सोचने से अलग था। तैयार कर दिया आयशा ने इसको अभी से, एक पोज हो जाए, आई थिंक वो पुल ऑफ करेगी बहुत अच्छा। कुछ समय की मेहनत मगर जिंदगी भर याद रह जाने वाला असर, यही तो जादू है इस मैजिकल मेकओवर का। और देखिए, आयशा की फैन बिल्कुल आयशा की तरह तैयार हो गई है। एक आम लड़की आज बन गई है खास, कैमरे के सामने उसने भी सितारे की तरह अपना जादू बिखेरना शुरू कर दिया है। बता सकती, मेरे पास लफ्ज ही नहीं है मैम के लिए कहने के लिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और टाइम कैसे चला गया आई डोंट नो, मैं बता भी नहीं सकती। मैं थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, माय प्लेजर। अगर आपने रिप्लाई नहीं किया होता तो मैं वेट ही करती रहती। आपकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा, आयशा मैम से मिल पाई, आपसे मिल पाई, आपकी टीम बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, वी आर ग्लैड। तो आई थिंक आप लोगों को भी ऐश्वर्या का लुक देखने में उतना ही मज़ा आएगा जितना हम लोगों को रिक्रिएट करने में आया, और इनकी पिक्चर्स भी बहुत ही अमेजिंग आई हैं। सो शी ट्राई टू follow what Aisha did and I think वो truly succeed की इसमें। मैंने first time आई थी तो मैं बहुत कंफ्यूज थी यार, क्योंकि first time था मेरा, तो मैं सोच रही थी क्या होगा क्या नहीं। मैडम के साथ, पूरी टीम के साथ टाइम निकलते निकलते मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर आयशा मैम का लुक, उसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए शौक में थी मैं भी ऐसे लुक में होंगी, देन आएंगी मुझे कैसा लगेगा। आई थिंक आयशा का लुक तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसीलिए मेरा मन था कि जो मैंने आयशा के लिए लुक क्रिएट किया वही मैं ऐश्वर्या के लिए करूं, एंड ऐश्वर्या के लिए करना इट वाज वेरी चैलेंजिंग, बहुत ही मुझे यू नो मेहनत लगी, बिकॉज ऑफ कोर्स उन्होंने कभी कैमरा फेस नहीं कर रहा, तो उनकी एक अपनी हेजिटेशन है, अपनी शाइनेस है, जिसको मुझे निकालना था, बिकॉज उनको जो मैंने लुक दिया है वो बहुत ही बोल्ड काइंड ऑफ यू नो इंग्लिश लुक दिया है एंड वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल वाला लुक दिया है, सो आई वॉन्टेड टू चेंज हर पर्सनैलिटी टोटली। आई थिंक उसमें मैं तो कामयाब हुई हूँ, बाकी हमारी ऑडियंस हमें बताएगी कि उनको ये मेकओवर कैसा लगा, मैजिकल मेकओवर कैसा लगा। अपने चहेते सितारे से मिलने का और फिर उन्हीं की तरह मेकओवर पाने की खुशी ऐश्वर्या के चेहरे पर साफ नजर आ रही है, और एक फैन के सपने को पूरा होता हुआ देखकर हमें भी खुशी मिली। अगले हफ्ते भी ये जादू चलेगा, एक और फैन का सपना पूरा होगा, बस आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामले और नेहा सावंत के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।